हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब लोग कैसे हो? तो फ्रेंड्स, सॉरी, बहुत दिन हो गए मैं एक भी ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी, तो थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब थी इस वजह से। तो फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों बाद ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। और मोस्टली अभी मैं जो ब्लॉग शेयर करती हूँ, खास करके शाम का टाइम होता है या फिर रात का वीडियो होता है, तो आज मैं सोच रही थी कि सुबह से आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं मेरा मॉर्निंग कैसे होता है। तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। वैसे तो हम जग गए हैं 8:30 बजे से ही। और ये रहा मेरा बेटू, देखिए अभी ये कोशिश कर रहा है, चढ़ जाएगा ये। अभी इसको मुझे पकड़ना पड़ेगा, बस इसके पीछे ऐसे ही चलता रहेगा मेरा पूरा दिन। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ मिलते हैं। और मैं शेयर कर रही हूँ कि अक्षत को मैं क्या खिलाती हूँ, मेरा ब्रेकफास्ट कैसे होता है, क्या क्या बनता है। तो फ्रेंड्स, महाशय अकेले खेल रहे हैं, तो चलिए किचन का थोड़ा सा टूट। ये अभी अक्षत का सूजी और मिक्स ड्राई फ्रूट का पाउडर इसमें दिया है। अभी इसमें ऐड होगा बनाना, तो ये है। और यहाँ पे मैंने साग बनाने के लिए छोड़ दिया है, ये उबल रहा है अभी। और ये रहा आज का सब्जी, काट के रखा है यहाँ पे अक्षत के लिए बीन्स, गाजर, स्वीट पोटैटो, हमारे लिए ब्रिंजर, और ये है परमल। तो ये हमारा आज बनेगा दाल और सारे वेज फ्राई और साग। आज सिंपल है क्योंकि आज मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही। और अक्षत की खिचड़ी में मैं ये डेली डालने की कोशिश करती हूँ उसका खिचड़ी, ताकि हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो। तो ये बीन्स, गाजर और स्वीट पोटैटो डेली डलता है। यहाँ पे स्वीट पोटैटो बहुत दिन बाद आज मिला, अगर ये नहीं मिलता है तो मैं नमकीन डाल देती हूँ। हाँ, ये मेरा छोटू बंदर यहाँ पे बैठ के क्या कर रहा है। हेलो, बाय, हेलो। अभी इसको यहीं पे किचन में, मैं जब तक खाना बना, इसको किचन से मेरे से ज़्यादा प्यार है। टाटा, एक खिलौना मिल गया है, नया आविष्कार है उसका। टूल को ऐसा करके घुमा रहा है, तो उसको अपनी तरह खेलने देते हैं, मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। ये है अक्षत के लिए बनाना, और इसमें है ड्राई फ्रूट पाउडर और है सूजी। और मैं ये थोड़ा सा हेल्थ ड्रिंक ले रही हूँ सुबह, और बाकी बाद में कुछ और बना लेंगे हम। तब तक ये ब्रेकफास्ट करते हैं। और आप लोगों ने आज ब्रेकफास्ट किया कि नहीं, ज़रूर शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट हो गया है हमारा कंप्लीट, और इसने भी अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया है। और ये अभी गाड़ी चलाने में बिजी है, अभी ये खेल रहा है, तो मैं थोड़ा सा अपना काम कर लेती हूँ, मतलब मेरा लंच बनाना बाकी है। तो मैंने चावल चढ़ा दिया है, अभी दाल बनेगा, फिर भाजी होगी, बहुत काम है। तो चलिए इसको अपनी तरह खेल देते हैं और हम चलते हैं किचन में। और खाना आधा बन रहा है, आधा बनने को बाकी है। मत खींचो, अभी इसको बाहर जाना है, ये बाहर जाएगा। इसने अपना बॉल भी गिरा दिया है डस्टबिन में, और सबसे अच्छी बात यह है फ्रेंड्स, ये गर्मी के मौसम में यहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी है, इसीलिए राहत है थोड़ी और हम अच्छे से सो पा रहे हैं। तो अभी ये इधर ही खेल लेगा, और इसने अपना पता है बॉल भी गिरा दिया। अब ये बॉल बिल्कुल नया है, चलो चलो, ये मुंह से कुछ नहीं बोलेगा लेकिन हाथ इसके चलते रहते हैं ऑटोमेटिकली। दिया है अभी, पता नहीं कितनी देर इसको लेकर टाइम पास करेगा, देखते हैं। ये इसका पढ़ाई लिखाई हो गया है, ये आ गया है। नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ मत पकड़ो, नो, मुझे काम नहीं करने दोगे।
ओके ओके चलो चलो चलो। तो अभी अकेले अकेले बुक लेने में क्या करेगा, मतलब बुक कौन पढ़ाएगा इसको, इसीलिए मेरी मेरी ज़रूरत है इसे। तो ठीक है ठीक है ठीक है, बैठो बैठो बैठो। ओके ओके, क्या ये अपना बॉल, मतलब पिक्चर में बॉल देख के ही इसको बॉल की याद आती है और ये बॉल के चैप्टर को ही खोल के सबसे फर्स्ट देखता है, तो इसको बॉल से बहुत प्यार है और इसीलिए ये बॉल को देख के ही यहाँ यहीं पर रुक जाता है और कोई भी चैप्टर ये ओपन नहीं करता। हाँ ये है इसका बॉल, ये बहुत सारे बॉल हैं तो ये देख के बहुत खुश हो जाता है। पापा वहाँ पर मेरी कढ़ाई चल रही है, रुको थोड़ी देर में आती हूँ। और ये क्या है, ये आइसक्रीम। सो फ्रेंड्स इसका पढ़ाई ऐसा ही होता है, यहाँ से थोड़ा सा वहाँ से, क्योंकि छोटा है अभी क्या पढ़ेगा वो, फिर भी ये टाइम टू टाइम बुक लेके बैठता है, मेरे लिए यही बहुत है, मेरे लिए यही काफ़ी है। और ये शाम को अपने पापा के पास भी बुक लेके भाग के आता है और बोलता है मतलब इसको पढ़ाओ, तो यही बहुत है अभी इतनी सी उम्र के लिए। और ये थोड़ा सा इंटरेस्टेड भी है, इसीलिए मैंने इसको ये बड़ा वाला जो पिक्चर वाला बुक होता है वो ही ला के दिया है। इसका छोटा भी एक है पॉकेट साइज़ का, तो वो भी उसको देखिए पसंद है, वो भी वो लाने गया है। लेके आओ लेके आओ, हाँ हाँ दिखाओ हाँ अक्षत के पास ये वाला भी है, देखिए इसके पास ये भी है, ये भी ये दिखा रहा है। अली बॉबली, अक्षत के पास ये वाला भी बुक है। हाँ अरे बापरे, पढ़ने लिखने में मन दे रहे हैं तो देखने में भी अच्छा लगता है। पता नहीं ये अभी कितना अभी ले पाएगा, मतलब पढ़ पाएगा, लेकिन ये कोशिश करता है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। देखिए इसकी हालत देखिए, ब ब ब पहले क बोलो, क क क पापा क क। अरे बाप रे, अरे बाप, अरे बाप रे, अरे बाप। ये ऐसे ऐसे नहीं होता बाबा, गर्दन में लग जाएगी। सो फ्रेंड्स मेरा दिन ऐसे ही शुरू होता है और ऐसे ही खत्म हो जाता है, पढ़ाई में देखिए कितना मन दे रही है। उठो बमाशी कर रहे हो, हाँ आ जाओ बोलिए, आ जाओ आ जाओ, मेरा हम मिलके खाना बनाएंगे, ठीक है? ओके पापा, आप चिप्स खाओगे? फाइनली खाना बन चुका है और अक्षत की खिचड़ी भी बन गई है, तो ये अक्षत की खिचड़ी है, तो ये बन चुकी है और अभी मैसी होके रखा है पूरा किचन, तो अभी मुझे थोड़ा किचन को सेट करना है। तब तक आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना।
और यहाँ पे अक्षत को मैंने बैठा दिया है नहाने के लिए, वो आराम से इंजॉय कर रहे थे। बाय। तो अभी ये महाराज 5 से 7 मिनट थोड़ा सा मैंने इसको हल्का गर्म पानी में बैठा दिया है। यह तब तक मैं थोड़ा सा किचन को साफ कर लेती हूँ, नहीं तो ये मुझे करने नहीं देगा। बस उसके साथ ही ये बनाइए आज की सब्जी। यहाँ पे है साग, ये है रहा फ्राई बैंगन, और ये है परवल फ्राई। तो ये हमारा आज का लंच है, और दाल कढ़ाई में है तो दाल को भी दूसरे बर्तन में शिफ्ट करना है। तो अब इसको हम स्टोर कर देते हैं। और ये रहा चावल, लंच में तो चावल ही चलता है, तो अब हो जाएगा ये। मतलब हंसी आई कि आप लोगों को देख के, देखिए इसकी हालत, अपने अपने आप सर पे इसने टोपी डाल के रखा है, मग को ऐसे दिखाओ फिर से। पक चुका है कि मैं क्या कहूँ। देखिए देखिए इसकी हालत, आधा साफ हुआ है, मतलब बर्तन बाकी है, थोड़ा सा ही बर्तन है, ज़्यादा बर्तन नहीं है। और यहाँ पे सब क्लीन हो गया है, सब कुछ क्लीन है, और इसको भी मैंने नहला दिया है। अब इसका बू 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 चलेगा, तो इसको हम कपड़े वपड़े पहना के फिर अभी इसको थोड़ा सा राइम्स चला दूँगी। राइम्स देने के बाद ये थोड़ी देर राइम्स देखेगा, फिर अपने आप खेलेगा, जो भी है इसको जो करना है वो करेगा। और तब तक मैं अपना बाथिंग कंप्लीट कर लूँगी। बाहर देखो चिड़िया रानी, चिड़िया रानी। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पे मैं ख़त्म कर रही हूँ। मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैं अपने छोटे से छोटू को लेके पूरा दिन कैसे खाना बनाती हूँ, और हम सुबह से उठ के क्या क्या करते हैं। तो इसी तरह से मेरा दिन कटता है इसको लेके। और आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इसको अभी मुझे कपड़े पहनाना है, अभी आराम से लेटा है, और लंच का भी टाइम हो चुका है, इसको थोड़ा भूख भी लग गया है। तो मैं इसको खाना खिला के फिर इसको सुला के फिर अपने बाकी का काम करूँगी। तो आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय बोल दो। बाय। ओ माय गॉड, टाटा टाटा बाय, सबको बाय बोल दो। क्यूटी पाई। और आप लोगों को अक्षत का बाय बोलने का स्टाइल कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स, बाय एंड टेक केयर का आपको भी बात करना है, बाय बोल दो। ओरे बाप रे। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं, इसका तो लगा रहेगा कुछ ना कुछ, ये करते रहता है। ओके बाय।